गुरुजी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट सिंपल और कुछ बहुत ही उपयोगी जानकारी के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो भैरव रक्षा मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा विधि के साथ, इसके अलावा बहुत सारे टोटके मैं आपको बताऊंगा जो कि आप आज कर सकते हैं जिससे आप लोगों को लाभ होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले होली के दिन अगर आप टोटके कर रहे हैं तो पूरी दुनिया भी टोटका और तंत्र करती है, तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का आज ध्यान रखना है। बहुत जगह मैंने देखा है कि कपड़ा फाड़ होली खेलते हैं, मतलब होली खेला तो इसका कपड़ा फाड़ दिया, उसका कपड़ा फाड़ दिया। ठीक है, दोस्तों में मौज मस्ती चलती है, लेकिन हमेशा ऐसा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कपड़ा फट रहा है तो वो कपड़े का टुकड़ा कोई उठा के ना ले जाए। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो उस टुकड़े का प्रयोग, अगर उसके मन में आपके विरोध में कोई भावना होगी तो वो तंत्र प्रयोग में कर सकता है, तो ये ना करें। दूसरा, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद किसी भी तरह का सफ़ेद आइटम आप नहीं खाइएगा आज के डेट में। सर पर कोशिश कीजिएगा कि टोपी पहनिए या कुछ बंधन डाल लीजिए, ठीक है। अगर जनऊधारी हैं या फिर कोई लॉकेट पहनते हैं तो उसको आज के रोज़ में ज़रूर पहनिएगा। हाथ में अगर रस्सी धागा बांध रखा है पूजे का, तो उसको पूजा का, तो आज उसको दिन भर पहन के शाम में उसको खोल लीजिएगा। इसके अलावा एक टॉर्मलिन का पत्थर आता है, वो अगर आप लोगों के पास उपलब्ध हो आसपास में तो उसको जेब में दिन भर रखें या कहीं बांध लें, ठीक है, और उसके बाद उसको रात में जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से अगर कोई भी टोटका वोटका या फिर कोई पुराना भी तंत्र यंत्र आप पे होगा तो वो सारा हट जाएगा, ठीक है। अब आपको एक आध बड़ा जोरदार टोटका मैं आपको बताऊंगा। तो पहला टोटका क्या है? पहला टोटका है चांद का। जब शाम में होली का चांद निकलता है तो उसका बड़ा महत्व होता है। तो चांद को चांदी बहुत पसंद है, तो अगर चांदी का बर्तन हो तो ठीक, नहीं तो स्टील का बर्तन रखिए। उसमें कुछ छुहारा, कुछ मखान, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख करके उसके बाद उसके सामने एक दिया जलाइए, चांद को प्रणाम कीजिए, दो अगरबत्ती जलाइए और उसके बाद उसको अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद उसमें आप कुछ भी सफ़ेद भोजन उनको, मतलब जैसे खीर हुआ तो खीर आप उनको अर्पण कर सकते हैं। रात भर इस खीर को छोड़ देना है, सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। और जो ड्राई फ्रूट आपने चढ़ाया है वो बच्चों को देना है, वो खुद आप मत खाइएगा। और जब इतना काम आप कर लेंगे तो जैसे आपने दीपक जला लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, तो कच्चे दूध का अर्घ देंगे आप चांद को। और ये क्रम आपको हर पूर्णिमा को करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी आर्थिक काम रुक रहा है वो सब चलने लगे। इसके अलावा और कौड़ियों का एक बहुत अच्छा यंत्र है कि अगर कोई बहुत बीमार है तो उसके सर के ऊपर से कौड़ी घुमाएं, ठीक है, अगर कौड़ी नहीं है तो गोमती चक्र घुमाएं और उस गोमती चक्र 11 की संख्या में उसको घुमा करके उसके बाद कहीं ले जाकर अगर आप गाड़ देते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी आपकी जो व्याधियाँ हैं वो नष्ट हो जाएंगी। व्यापार में अगर बहुत घाटा हो रहा है तो एक नॉर्मल हवन करना है। हवन से पहले 108 जाप करेंगे। मंत्र है ओम ह्रीम 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 श्री मेव कुरु कुरु वांछित नेव ह्रीम ह्रीम नमः। इस मंत्र का 108 जाप करके आप जो है 108 बार इसका हवन करेंगे। इसके बाद रोज इस मंत्र को आप कम से कम 108 बार पढ़िएगा तो जो भी आपका जो व्यापार नहीं चल रहा है वो चलने लगेगा। इसके अलावा अगर और कोई मंत्र चाहते हैं तो ओम नमो नरक ओम नमो नगर चीटी महावीर हूँ परो तोरी आशा तू पूरो मोरी आशा, थोड़ा सा घुमावदार है तो मैं तो इस मंत्र को क्या करना है आपको, इसको 108 बार पढ़ के 108 आहुति देनी है। उसके बाद रोज सवेरे थोड़ा सा शक्कर में घी मिला करके और कोई भी अनाज मिला करके जो भी चीटी का बिल है, चीटियों का जो बिल होता है, उसके सामने जाकर के मंत्र पढ़ के इसको गिराएं। ऐसा आपको 40 दिन तक करना है तो जो भी विघ्न बाधा आपके रोजी रोजगार में प्रमोशन में वो सारा जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आता हूँ भैरव तंत्र। देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नटी साधना दूंगा, ठीक है,
लेकिन नटी साधना देने का मुझे आदेश नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को नटी साधना दे नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को चाहिए होगा तो अलग से मुझे व्हाट्सएप या कॉल मी फॉर ऐप पे बात करिए, कॉल मी फॉर ऐप पे ही बात कीजिएगा, तो मैं आपको अलग से नटी साधना और नटी यक्षिणी साधना दे दूंगा। ये बिल्कुल ही पब्लिक में देने के लिए मनाही हुई है। तो अब भैरव की साधना करनी है, तो भैरव की साधना जो भैरव रक्षा तंत्र है वो बहुत ही मजबूत तंत्र होता है, ठीक है। अगर आपका ये एक भैरव सिद्ध हो गए तो इसको बहुत सीरियसली कीजिएगा। ये होली साधना सोच के आपको नहीं करना है, इसको आपको ऐसे करना है जैसे कि आप लाइफ टाइम का एक बड़ा साधना करने जा रहे हैं। क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले एक लकड़ी का टेबल ले लेना छोटा से, मतलब जो पूजा के लिए जो टेबल का उपयोग होता है उस टेबल को आप रख लो, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दो, तिल ले लेना करीब 100 ग्राम और गोलाकार में उसके ऊपर तिल की ढेरी रख देना, ठीक है, मतलब एक जगह ऐसे रख करके और उसको गोल कर देना, ठीक है। उसके ऊपर एक सुपाड़ी, उसको सिंदूर में लाल कर लेना और उसको स्थापित कर देना, मतलब वो भैरव जी को मान के हम लोग उसको स्थापित करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद प्रसाद में भैरव जी को जो चढ़ता वही चढ़ाएंगे, तले हुए पापड़ चढ़ाइएगा, उरद दाल के जो बड़े होते हैं वो चढ़ाइएगा। इसमें आप तिल का तेल का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। हाँ, आपके पास जो सामग्री होनी चाहिए वो है काला उरद, काली मिर्च और काला तिल। ये आप लोग करीब करीब आधा आधा किलो, मतलब 1.5 किलो पूरा मिला करके एक जगह रख लीजिए। और एक कटोरा वो जो आपने तिल की ढेरी रखी है उसके सामने रखिएगा, ठीक है। अभी क्या है कि वो जो तिल की ढेरी हो गई, तिल की ढेरी पे सुपाड़ी है लाल रंगी हुई, एक एक तरफ उसमें आपका तिल का तेल का दिया है, ठीक है, एक तरफ प्रसादी है जिसमें कि पापड़ है और उड़द दाल के बड़े हैं, ठीक। इतना व्यवस्था होने के बाद सामने आप एक थाल में जो तीन चीज़ें आपको बताई, काला तिल, काला मिर्च और काले उड़द, इसको बराबर संख्या मतलब आधा आधा किलो मिला करके रख लीजिए। अभी जो मैं मंत्र बोलूँगा ना, इस मंत्र को पढ़ते समय आप एक चुटकी ये मिश्रण उठाएंगे और जैसे जैसे मंत्र कंप्लीट होगा आप राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ अपने सर के चारों तरफ घुमाते हुए फिर सेंटर पे लाएंगे, और उसके बाद मंत्र जैसे ख़त्म होगा वो जो आपने सामने कटोरी रखी है तिल की कटोरी, मतलब जो तिल का ढेरी के सामने जो आपने कटोरी रखी है उसमें इसको डालिएगा, समझ रहे हैं आप। तो मंत्र है, हुम 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 भैरो दरिद्रता नाशय, रोग नाशय, शत्रु नाशय, नाशे सगली पीड़ा, सुख बरसे सकल होए कारज, डाले भैरो रक्षा घेरा, आदेश आदेश आदेश, आदि गुरु को आदेश। इसको शुरू करने से पहले आप ज़रूर से संकल्प कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस मंत्र से बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं, तो आपको जिस कार्य के लिए करना है, रक्षा के लिए करना है या जिस भी कार्य के लिए करना है, धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि, जिस काम के लिए करना है उस चीज़ का संकल्प लेकर के इसको कीजिएगा, ठीक है। तो जो बजौट रहेगा उसी के ऊपर एक कटोरा है, ये जितनी बार आप सर पे घुमाएंगे उसको उसमें आपको रखते जाना है। तो आज के लिए इतना ही, अब तो होली समाप्त हो रही है, कल मैं आप लोगों को मोहिनी परी साधना दूंगा। नटी साधना मैं नहीं दे सकता हूँ, उसका तो कारण मैंने बता दिया। देव प्रत्यक्षीकरण का एक साधना है, आप फ़ोन करना अगर किसी को चाहिए होगा आज, तो मैं उसको बताऊँगा। वही फिर से पुरानी बात, अगर मेरी किताब आप लोगों को ख़रीदनी है तो अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर आप खरीद सकते हैं। हैंडबुक पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, मुझसे अगर बात करना है तो आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और रुद्रनाथ सर्च करके वहाँ आपको कॉल बटन मिलेगा, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है जो मैंने डिलीट कर दिया था, आप लोग अगर मैसेज ऐप से चालू किया उस पर सिर्फ ज़रूरत का आप लोग मैसेज कीजिए, 9431188585। आज के लिए इतना ही, अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश।